इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का ग्राफ नए जमाने के साथ तेजी से बढ़ रहा है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियां भी उसी तेजी के साथ इस रफ्तार का हिस्सा बनती नजर आ रही है। इस लिस्ट में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस जैसी कंपनियां पहले ही शामिल हो चुकी हैं और अब रॉयल एनफील्ड भी इसमें शामिल होने वाली है। रॉयल एनफील्ड भी एक खास तरह की इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर रही है। कैसी है रॉयल एनफील्ड की ये नई इलेक्ट्रिक बाइक, क्या है इसमें खास, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। रॉयल एनफील्ड इस समय अपनी दो इलेक्ट्रिक बाइक्स पर तेजी से काम कर रही है, जिसमें एक इन हाउस बाइक है और दूसरी ईवी की बिक्री करने वाली स्पेनिश ईवी स्टार्टअप स्टार्क मोटरसाइकिल के साथ तैयार की गई ऑफ रोड मोटरसाइकिल है, जो 80 HP की पार देती है। इसे चार्ज करने में 2 घंटे का समय लगता है, जो लगभग 6 घंटे की राइड देने में सक्षम है। इसका वजन 110 किलोग्राम है। रॉयल एनफील्ड जिस बाइक पर काम कर रही है वो कंपनी की बाकी क्रूज बाइक की तरह एक कंफर्ट देने वाली बाइक होगी। वहीं स्टार्क मोटरसाइकिल के साथ तैयार की जा रही बाइक एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर हो सकती है। कंपनी अपनी इस बाइक को चेन्नई के पास वाले वल्लम वडगल में तैयार करेगी। कंपनी के CEO बी गोविंद राजन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस उत्पाद के विकास के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपने चेन्नई प्लांट के आसपास सप्लायर इकोसिस्टम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। बता दें रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स का हिस्सा है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट समेत करंट फिनेंशियल ईयर में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का एक हिस्सा कंपनी की मौजूदा इंटरनल कंबशन इंजन यानी ICE पोर्टफोलियो से नए उत्पादों को उतारने पर खर्च किया जाएगा। ICE इंजन से लैस वाहन पेट्रोल डीजल फ्यूल के इस्तेमाल से चलते हैं। कंपनी के CEO गोविंद राजन ने एनालिस्ट कॉल कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनकी ईवी की यात्रा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि रॉयल एनफील्ड की ईवी यात्रा अब टॉप गियर में है। हमारा इरादा रॉयल एनफील्ड के DNA वाली बेहतर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इसके लिए एक सक्षम टीम नियुक्त की है। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक की लॉन्चिंग के बाद इसका मुकाबला कॉमकी रेंजर और जावा 42 जैसी बाइक के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।